हमारी एम्बेसी ने बोला मौत अल्लाह के हाथ में, यहाँ नहीं हुई या वहाँ नहीं हुई, आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना में फैले कोरोना वायरस से दुनिया भर में किस प्रकार की स्थिति बन चुकी है, इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है चाइना में पढ़ रहे बाहरी देशों के विद्यार्थी जो वहां से निकल पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। एक तरफ जहां भारत ने अपने देश के विद्यार्थियों को चाइना से भारत लाने का काम शुरू कर दिया है, वहीं पाकिस्तान के विद्यार्थी अब भी वहीं फंसे हुए हैं। और दुख की बात यह है कि वहां की खुद की गवर्नमेंट ने उन्हें पाकिस्तान लाने से पूरी तरह से मना कर दिया है। इन दिनों चाइना में पढ़ रहे पाकिस्तानी विद्यार्थियों की वीडियोस लगातार वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी गवर्नमेंट से अपनी जान की गुहार लगाते देखे जा सकते हैं कि उन्हें वहां से बचा लिया जाए, वो भी पाकिस्तान के ही नागरिक हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सरकार ने पल भर की देरी किए बिना हमारे अपने देश के सभी स्टूडेंट्स को वापस भारत ला पाने में वो कामयाब रहे हैं। दोस्तों किसी भी देश के नागरिक जो भले ही देश से बाहर रह रहे हों, चाहे वो पढ़ने के लिए गए हुए हों, कमाने के लिए गए हुए हों, या फिर वो घूमने के लिए गए हुए हों, अगर उन पर किसी भी प्रकार की विपदा आती है तो उस देश का ये फर्ज बनता है, उस गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि वो अपने देश के नागरिकों की तुरंत मदद करे और उन्हें सुरक्षित अपने देश लाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, जिस यूनिवर्सिटी में हम इस टाइम पे हैं, यूनिवर्सिटी मतलब ठीक है, हर हालात से ठीक है, मतलब स्टडी वगैरह ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इस सूरत हाल में हैं कि यहाँ पे कोरोना वायरस जैसा कि दुनिया में ये फैला हुआ है, इस सूरत हाल में हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे हमारे खुराक का मसला है, यहाँ पे हमारे रहने का मसला है, हम बगैर मास्क के कहीं जा नहीं सकते और यहाँ तक के जाएँ तो, लेकिन हमारे लिए जाना भी बंद किया गया है बाहर, मतलब हमारे जो डोर्स हैं, आउटडोर्स हैं, वो सारे बंद किए गए हैं और हमारे पास जो स्टॉक है वो तकरीबन 1 वीक के लिए है या 2 वीक के लिए है, उसके बाद कुछ नहीं है खाने के लिए। तो बराए करम हम अपने पाकिस्तानियों के लिए, मतलब पाकिस्तानी एम्बेसी जो है हमारी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर रही हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। हमने देखा है कि हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स अपने भाषणों में, अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, बोलते हैं कि हम देश के लिए ये करेंगे, देश में ये सुविधाएं लाएंगे, देश के नागरिकों के लिए ये करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के बाहर रह रहे नागरिकों की सुरक्षा भी है, जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा कुछ बोलते नज़र नहीं आते। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने शासनकाल में कई ऐसे निर्णय लिए, ऐसे साहसपूर्ण कार्य किए जिनके कारण हजारों की संख्या में देश के बाहर रह रहे लोगों की घर वापसी हुई, वो लोग अपने परिवारों से मिल सके जिन्होंने शायद देश वापसी की उम्मीद तो छोड़ दी थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें नहीं छोड़ा और जैसे हो सका उन्हें वापस भारत लाने का भरपूर प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुए। आज चाइना में फंसे स्टूडेंट्स को फ्लाइट से पूरी सुरक्षा के साथ भारत लाने का काम कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हमारी अभी की गवर्नमेंट ने ये कारनामा करके दिखाया था, जिसमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो ऑपरेशन राहत एक ऐसा रेस्क्यू प्लान था जिस पर हमें केवल आज ही नहीं बल्कि कई सालों तक गर्व रहेगा। लेकिन क्या 4000 लोगों को युद्ध के बीच से सुरक्षित वापस लाया जाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं, और ये सब अचानक भी नहीं हुआ था। विपक्षी दल अक्सर नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते रहते थे, मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन ये विदेश यात्रा कैसे भारत के लिए हितकारी साबित हुए, कैसे उनकी वजह से देश में व्यापार बढ़ा, इस बारे में विपक्षियों ने सोचने की कोशिश भी नहीं की। दरअसल यमन देश के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे थे 4000 लोग जिनके ऊपर मौत मंडरा रही थी। ये 4000 लोग न केवल भारतीय थे बल्कि इनमें 26 देशों के नागरिक थे जो इस विपदा की घड़ी में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। 26 देशों के नागरिक थे, लेकिन किसी भी देश की सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं बनाई। लेकिन भारत सरकार हमेशा से न केवल अपने बल्कि दूसरों के लिए भी अपनापन रखती है, जो कि देखने को मिला इस राहत ऑपरेशन में। इन सभी फंसे लोगों को अंदन बंदरगाह से निकालने का काम भारतीय सशस्त्र बलों ने किया और यह रेस्क्यू पूरे 11 दिन तक चला। इस पूरे रेस्क्यू में सुषमा स्वराज की अहम भूमिका थी। जब उन्हें यमन में फंसे भारतीयों के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उन्हें सुझाव दिया कि ऐसी विपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री के सऊदी के शाह से जो घनिष्ठ संबंध हैं वो काम यहां पर आ सकते हैं।
यानी विदेश यात्रा का एक फायदा यहां भी हुआ। बस इसके बाद मोदी जी ने रियाद के शाह को फोन किया और वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सहयोग मांगा और अनुरोध किया कि अगर वहां एक सप्ताह के लिए बमबारी रोक दी जाए तो हम अपने नागरिकों को वहां से निकाल लाने की कोशिश करेंगे। इस पर सऊदी के शाह का कहना था कि मोदी जी का यह अनुरोध महत्वपूर्ण है जिसे हम टाल नहीं सकते, लेकिन ऐसे वक्त में युद्ध रोक पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और हर रोज दो दो घंटे के लिए युद्ध विराम करने की बात मान ली। ये शायद मोदी जी के विदेश दौरों के दौरान बनाए गए संबंधों की ताकत थी कि वो मोदी जी के आग्रह को मना नहीं कर पाए। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बमबारी रोक दी जाती थी और इसी बीच वहां फंसे न केवल भारतीय नागरिक बल्कि अन्य 26 देशों के नागरिकों को बचाने का महान काम भारत सरकार ने किया। बचाए गए लोगों में 4800 भारतीय थे और 1972 दूसरे देशों के नागरिक थे, लेकिन भारत सरकार ने बिना किसी भेदभाव के उन सभी को वहां से सुरक्षित निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो दूसरे देश के नागरिक शामिल थे वो देश थे बांग्लादेश, बहरेन, इजिप्ट, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, केन्या, लेबनान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान आदि। जी हाँ, आपने सही सुना, इन बचाए गए नागरिकों में 17 पाकिस्तानी नागरिक भी थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा मोदी सरकार के अंडर में और भी कई बार कई लोगों को बाहरी देशों से बचाकर भारत लाया जा चुका है। अगस्त 2014 में लीबिया में काम कर रहे 700 से ज्यादा नर्सेस जो वहां हो रहे युद्ध के बीच फंस गई थी उन्हें सुरक्षा पूर्ण तरीके से भारत लाया गया था। लीबिया के कैपिटल त्रिपोली और बेंगाजी में करीब 1000 इंडियन नर्सेस काम करती थी। इनमें ज्यादातर नर्सेस केरला या साउथ इंडिया से थी। वहां के आपसी युद्ध में नॉर्थ अफ्रीकन देशों ने काफी लोगों को मार गिराया था। ऐसे में वहां की स्थिति खराब हो चली थी और भारतीय नर्सेस को वहां से निकाल लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठाई। इससे पहले केरला चीफ मिनिस्टर ओमेन चैंडी ने फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज से उन नर्सेस को सुरक्षित भारत लाए जाने की अपील की थी। लीबिया से करीब 4500 भारतीय नागरिक को इस विकट परिस्थिति में भारत लाया गया जिनमें 750 नर्सेस थी। इसके अलावा 2014 के ही जून में इराक में फंसे 175 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया था, जो कि एक गौरवपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। इन 175 नागरिकों में 46 नर्सेस थी। इसके बाद 2015 में यूक्रेन में फंसे 1000 भारतीयों को भी अपने देश सुरक्षित लाया गया था, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि ना केवल अपने देश में रह रहे बल्कि देश के बाहर रह रहे अपने नागरिकों की भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाना चाहिए। चाइना से भारतीय बच्चों को भारत लाया जा चुका है, लेकिन इस बार उन्हें लाए जाने का कारण वहां किसी तरह का युद्ध नहीं था बल्कि कारण था कोरोना वायरस। ऐसे में भारत सरकार ने जिस प्रकार से इस भयानक वायरस जैसी स्थिति में भारतीयों को वहां अकेले नहीं छोड़ा वो सराहनीय है। इस वायरस के फैलने की स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज के अंडर में इन सभी छात्रों का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध कर अपने ही देश के छात्रों के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वहां के छात्र लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, अपील कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि प्लीज उन्हें बचा लिया जाए। उनका खाना खत्म हो रहा है, जो दो चार मॉल्स खुले हैं उनमें खाना इतना महंगा है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ज्यादा दिन। हमारी सिटी, जिस वक्त हमने खुद भागने की यहाँ से कोशिश की, हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बोला कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उससे रब्ता करो, और चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला अपनी एम्बेसी से रब्ता करो, और हमारी एम्बेसी ने बोला मौत अल्लाह के हाथ में, यहाँ नहीं हुई या वहाँ नहीं हुई, आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अबैदा हूँ, हुबेई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन 100 के करीब है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि इन्हें खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हालांकि ऐसी कोई खबर सच दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इसका सच। हमारे पास अपना जो खाना है वही मौजूद है, और वो भी पता नहीं कब तक मौजूद है। एक लिमिटेड अमाउंट में खाना हमारे पास सबके पास जो हम खा रहे हैं फिलहाल और गुजारा कर रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि कोई मॉल वगैरह ओपन भी हो तो हम इंटरेक्शन करेंगे चाइनीज लोगों से, और चाइनीज में ही ये वायरस है ज्यादातर, क्योंकि वो खाते हैं ऐसी चीजें, जानवर वगैरह सारे वाइल्ड एनिमल खाते हैं। एम्बेसी से हमने रब्ता किया है, अव्वल तो वो फोन नहीं उठाते। हमने काफी दफा ट्राई किया, दो तीन दिन से ट्राई कर रहे हैं,
वो फोन नहीं उठाते, अगर फोन किसी का उठा भी लें तो बहुत बुरी तरह बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट ने जो हुक्म देना है हम वो करेंगे। एम्बेसी का कहना यह है, कहने का मतलब है वो बहुत बुरी स्थिति में है। हमारा देश और हम भारतीय हमेशा से एक दूसरे की सहायता करने के लिए जाने जाते हैं और यही हमारी विशेषता है। आज भले ही जो मुट्ठी भर छात्र जो पाकिस्तान से हैं वो कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उन्हें उनकी ही सरकार अपनाना नहीं चाह रही है, तो क्या ऐसे में अगर कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि भारत सरकार उन्हें वहाँ से ला सके तो शायद मानवता के क्षेत्र में ये एक नई मिसाल साबित होगी। ठीक है, हमारे संबंध पाकिस्तान से अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर यही तो हम भारतीयों की खासियत है कि बुरे वक्त में हम किसी का साथ नहीं छोड़ते। मुझे नहीं मालूम कि टेक्निकली ये संभव है या नहीं, लेकिन अगर ये संभव है तो भारत सरकार उन बच्चों की सहायता भी करे जिन्हें खुद उनके लोग दुत्कार चुके हैं इस संकट की घड़ी में। अगर इस बुरी स्थिति में हम उनकी सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की सरकार को भी एक सबक होगा। तो दोस्तों, आप सब भी अपना ख्याल रखें जब तक ये वायरस पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके बताया जाता है जिसके पीछे ज़्यादातर मेडिसिन कंपनीज का हाथ होता है ताकि इनके मास्क और दवाइयाँ धड़ल्ले से बिके। पैनिक ना होए, बस अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें और जैसे कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि खास तौर से अपने हाथों को साफ सुथरा रखें, साबुन से धोते रहें और बाकी जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनका पालन करें। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।